नमस्कार, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। जबलपुर में युवती के साथ शादी का झांसा देकर युवक 3 साल तक करता रहा शोषण, मारपीट के साथ जातिगत रूप से भी किया अपमान। जबलपुर में 24 वर्षीय युवती के साथ एक युवक पिछले 3 सालों से रेप करता रहा। आरोपी वर्तमान में दुर्ग में नौकरी करता है, वहाँ भी बुलाकर उसने युवती का शोषण किया। युवती ने शादी की बात कही तो उसने मारपीट करते हुए मना कर दिया। युवती को जातिगत रूप से भी अपमानित करता रहता है। अब धमका रहा है कि उसके आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया में वायरल कर देगा। रांची पुलिस के मुताबिक रांची क्षेत्र निवासी 24 वर्षीय युवती ने सैनिक कॉलोनी झंडा चौक रांची निवासी सिमरदीप सिंह के खिलाफ रेप धमकी देने पॉक्सो एक्ट का प्रकरण दर्ज कराया है। युवती के मुताबिक 3 साल पहले उसकी मुलाकात सिमरदीप से सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। सिमरदीप ने युवती को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने लगा। पहली बार आरोपी ने युवती को अपने घर बुलाया था, वहीं पर उसके साथ रेप किया। उसने मना किया तो शादी का झांसा दिया। इसके बाद लगातार उसका शोषण करता रहा। सिमरदीप वर्तमान में दुर्ग में जॉब कर रहा है। युवती के मुताबिक सिमरदीप ने उसे दुर्ग बुलाया, वहां भी वह उसके साथ शारीरिक शोषण करता रहा। उसने शादी करने की बात कही तो वह आक्रोशित हो गया और उसके साथ मारपीट कर भगा दिया। युवती ट्रेन से लौटने लगी तो आरोपी ने बीच रास्ते से लौटने पर मजबूर किया, उसे फिर दुर्ग बुलाकर रेप किया और बाद में भगा दिया। दुर्ग से लौटकर युवती एसपी के पास पहुंची और आप बीती सुनाई। सिमरदीप ने युवती का सोशल आईडी हैक कर लिया था। वह युवती की ओर से आपत्तिजनक चैट पोस्ट करता था। बाद में वह युवती के इसी पर्सनल आईडी पर उसकी आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा। शादी के दबाव से बचने के लिए ही वह दुर्ग चला गया और निजी कंपनी में नौकरी करने लगा। वहाँ एक छात्रावास में किराए से रहता है। एसपी के निर्देश पर रांची पुलिस ने आरोपी के खिलाफ टीएससी का प्रकरण दर्ज कर चार्ज में लिया है। खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज। तब तक के लिए धन्यवाद।